बैठे हम लोग यहाँ पर परेशान है, उनको कोई टेंशन ही नहीं है, हमसे बेहतर तो इंडियंस है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ। लेकिन इधर हम इतनी तकलीफ में, कोई भी हमें बचाने नहीं आ रहा। ये सारी लड़कियाँ उधर उन लड़कों को उन्होंने मार के उधर भेज दी है, कोई भी हमें पाकिस्तान से बचाने नहीं आ रहा। दोस्तों, हमारे प्यारे भारत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रहते तो यहाँ पर हैं लेकिन गाते हमारे पड़ोसी की हैं। उनको मैं एक तस्वीर दिखाता हूँ जिससे आपको भी गर्व होगा भारतीय होने पर। दोस्तों, आप स्क्रीन पर ये तस्वीर देख सकते हैं, ये जो खाली एरिया दिखाई दे रहा है ये है वॉर जोन, जहाँ पर कोई भी प्लेन नहीं गुजर रहा, लेकिन जो रेड जहाज दिखाई दे रहा है ये है एयर इंडिया का जहाज जो भारतीय स्टूडेंट को बचाने के लिए गई है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ इसी एयर इंडिया के प्लेन की। This could be an interesting one, and then after him we've got the A3. Oh no, he's off center. I think this might be Air India, but just checking to see if he's going to land it. Looks like he's got it. Winds are gusting. Yeah, very skilled Indian pilot there. यह दृश्य देखकर हमारी पूर्व फॉरेन मिनिस्टर लेट सुषमा स्वराज जी का ये ट्वीट याद आ जाता है जिसमें उन्होंने लिखा था, इवन इफ यू आर स्टक ऑन द मार्स इंडियन एम्बेसी देयर विल हेल्प यू। और उनकी ये बातें सच भी साबित हो रही है। पूरी दुनिया में भारत के इस मिशन गंगा की चर्चा क्यों हो रही है, पाकिस्तानी क्यों इतने बेबस है कि भारतीय पीएम से मदद की गुहार लगा रहे हैं, उनकी वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके साथ ही अमेरिका ने जो अब तक का सबसे घातक कदम रूस के खिलाफ उठा लिया है उस पर भी हम बात करेंगे। तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेकिन दोस्तों, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैं डेली वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो आप तक लेकर आता हूं। आपको बस इतना करना है कि नीचे दिए गए रेड कलर में सब्सक्राइब का जो बटन है उसे दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, और ये बिल्कुल फ्री है, इससे हमारी डेली वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। दरअसल दोस्तों, यूक्रेन में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ऐसे में किसी भी कमर्शियल फ्लाइट का वहां पर जाना सुरक्षित नहीं है। कुल 25,000 से ज्यादा भारतीय स्टूडेंट वहां पर फंसे हुए हैं और इनको निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन गंगा चलाया हुआ है। वॉर की स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के राष्ट्रपति से फोन पर बात की और पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को अपनी गंभीरता भारतीय स्टूडेंट को लेकर बताई। दोनों ने ये कहा है कि भारतीय स्टूडेंट को वहां पर कुछ नहीं होगा और इवैक्यूएट कराने में हम मदद करेंगे। आप आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है पुतिन एश्योर्स देयर सेफ्टी। अब यहां बाकी देश जैसे कि पाकिस्तान और भी अन्य देशों के लिए प्रॉब्लम ये है कि उनके दोनों देशों से संबंध अच्छे नहीं है, यानी कि या तो रशिया की तरफ है या फिर यूक्रेन की तरफ है, और ऐसे में उनके लिए अपने नागरिकों को बचाना आसान नहीं हो रहा। हालात इस समय यूक्रेन में यह है कि आम नागरिकों को भी अब निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में कोई भी सिक्योर नहीं है। भारत ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आसपास के सभी देशों से मदद मांगी है, चाहे पोलैंड हो, स्लोवाकिया हो या अन्य देश हो, इन देशों के रास्ते भारतीयों को निकाला जा रहा है। वहीं इस क्षेत्र में किसी फ्लाइट की जाने की हिम्मत हो रही है तो वो है इंडिया की एयरलाइन, जिसने सभी देशों से क्लियरेंस ले रखी है। यही वजह है कि तेजी से भारतीयों को निकाला जा रहा है, और इस वजह से पाकिस्तान का मीडिया, अवाम और वहां पर फंसे लोग अपनी एम्बेसी और अपने पाकिस्तानी पीएम पर गुस्सा निकाल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को तो इस वॉर में एक्साइटमेंट दिख रही थी, जैसा कि उन्होंने रशिया में बयान दिया था। पाक एम्बेसी पर किस तरह से गुस्सा फूटा हुआ है इस क्लिप के माध्यम से आप देखिए। बिल हैं जो वहां पर पढ़ने के लिए गए हुए थे और वो वहां पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, तो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए प्रेसिडेंट प्यूटन से बात की। तरह के इंडिया से सिर्फ अगर 30 मिनट्स की बात हुई है दोनों जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनके बीच, तो भारत ने अपना ये मुद्दा उठाया। उस 25-30 मिनट की टॉक के बीच भी इंडिया की तरफ से ये मुद्दा रखा गया कि उनको फिक्र है उनकी सेफ्टी की, उनके जो वहां पे स्टूडेंट्स मौजूद। लेकिन पाकिस्तान के फंसे हुए लोग जो हैं, खासतौर से तलबा जिनकी बड़ी तादाद है, उनकी रुदादे गम सुन सुन के दिल बहुत दुखी है। सर, वो क्या कि हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, हमारे पाकिस्तानी बच्चे इस वक्त वहां पर फंसे हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट ने हमें ये बताया था कि इवैक्यूएशन शुरू हो चुकी है, ये झूठ लग गया। और हमारी पाकिस्तान एम्बेसी ने बिल्कुल किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की, सरासर पाकिस्तान में झूठ बताया जा रहा है, इधर बेखनों की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमें तो इंडिया के सफारतखाने से इंडिया वालों को इत्तला मिली थी, लेकिन हमें कुछ भी बताया नहीं था। अच्छा, इंडिया वालों ने, सफारतखाने ने इंडिया वालों को वहां से इत्तला करके पहले से बता दिया, लेकिन आपको किसी ने कुछ नहीं बताया पाकिस्तानी सफारतखाने ने? जी, हमें कुछ भी नहीं पता था। हाँ जी, अम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पांस आया? कोई रिस्पांस नहीं है। तो आप बताएं कि क्या कैसा दिन गुजरा आपका? सुबह से मैं देख रहा हूँ आप लोग इधर बैठे हुए। हम लोग यहाँ पर परेशान हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है, हमसे बेहतर तो इंडियंस है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है। यह सब देखकर दोस्तों, भारत की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और इसके पीछे सबसे बड़े नायक हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री जी हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी की भी जितनी तारीफ करनी पड़े उतनी कम है, जो कि हमेशा से जबरदस्त रही है, चाहे फिर वो कांग्रेस की गवर्नमेंट ही
क्यों ना हो, लेकिन भारत आज वर्ल्ड लीडर के रूप में जरूर उभर रहा है। बात करते हैं दोस्तों यूक्रेन और रशिया की, तो इस समय रिहायशी इलाके में रूस ने बमबारी शुरू कर दी है और ये पहले से काफी तेज है, और दुखद यह है कि इसकी चपेट में सिविलियन भारी मात्रा में आ रहे हैं। इसी के साथ अमेरिका ने अब तक का सबसे बड़ा सैंक्शन रूस के ऊपर लगा दिया है, यानी कि स्विफ्ट सैंक्शन इम्पोज कर दिया गया है। इससे रशियन इकोनॉमी बुरी तरह से तबाह हो जाएगी। बाइडेन की बंदूक में जो आखिरी गोली थी वो भी उन्होंने रशिया के ऊपर चला दी है। अब धीरे धीरे रशिया घिरता जा रहा है। रशिया के ऊपर दबाव है कि जल्दी से जल्दी इस युद्ध को खत्म किया जाए। इसके अलावा जर्मनी यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम भी देने जा रहा है, यानी कि अब मुसीबत रशिया के ऊपर और भी आ रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी खबर यह है कि रशिया के खिलाफ यूएन जनरल असेंबली में भी बड़ा प्रस्ताव लाया जा रहा है। अभी तक यूएनएससी में रशिया वीटो का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन यहाँ पर 193 देश वोटिंग करेंगे और कोई वीटो नहीं चलेगा, और ज्यादातर वोट रशिया के खिलाफ ही पड़ने की उम्मीद है, जिससे कि दुनिया में वो पूरी तरह से आइसोलेट हो जाएगा। और इसी के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूएन में इस बार भारत का साथ मांगा है, क्योंकि भारत के वोट की सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि भारत रूस का सहयोगी है। आपके हिसाब से क्या इस बार भारत को यूक्रेन का साथ देना चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।